हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि आज मैंने अभी लेट हो गई नहाने में, तो अभी मैं नहाई हूँ और मैंने हेयर वॉश भी किया है, तभी जो है मेरे हेयर्स ओपन हैं। और इतने में मुझे कुछ कॉरियर रिसीव होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो वो कॉरियर्स मैं आप लोगों को क्यों ना दिखाऊँ। पहले मैं सोचा करती थी कि जो मीशो रहता है ना, वो उतना अच्छा नहीं है, उसके रिव्यूज़ जो हैं मतलब काफ़ी लोग बहुत ख़राब देते हैं। बट अभी मैं कुछ टाइम से जो है इसका यूज़ कर रही हूँ मीशो को, तो क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मतलब इम्प्रूवमेंट किया है मीशो ने, तो हो सकता है कि 1-2% चांस अभी भी मतलब ख़राब हो प्रोडक्ट्स, बट मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैंने मंगाई हैं अपने लिविंग रूम के लिए, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बहुत ही बजट में है वो सारी आइटम्स, मतलब कि 100 रुपये से लेके 200 रुपीज़ और लास्ट 250 रुपीज़, मतलब हाईएस्ट प्राइस जो है वो सिर्फ 250 रुपीज़ है। आप भी उनको आसानी से परचेज कर सकते हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली, कोई मतलब ज़्यादा हाई रेट के वो नहीं है। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं क्या क्या आज हमें मिला है। चलिए ये वाले जो फ्लावर्स थे ना, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ये मल्टी कलर में थे और एकदम नेचुरल सा लुक दे रहे थे। मैंने दूसरा कॉरियर ओपन करना शुरू किया और इसमें मेरा क्या निकला, वॉल डेकोर का पीस। मैंने एक शीशा मंगवाया था, यानी कि मिरर, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब इसको मैंने ओपन किया तो बहुत ही छोटा था। मतलब दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जो इसकी क्वालिटी थी वो इतना फाइन नहीं था, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड पीस मैंने क्या मंगाया था, दिस वन ब्लेस दिस होम, ये भी मेरा वॉल डेकोर के लिए है और ये भी बहुत अच्छा है। इसमें टेप दिया हुआ है पीछे, वो भी हम स्टिक कर सकते हैं। ये वाला वॉल डेकोर पीस भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी बहुत अमेजिंग है, आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। और लीस्ट इन लास्ट मैंने एक ये जो फ्लावर पॉट है, ये वाला मुझे देखने में छोटा लगा, लेकिन जब आया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जो मेरा कोरियर आया है वो आया है ड्राई फ्रूट कटर। और जो ड्राई फ्रूट कटर है ना गाइज, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो ड्राई फ्रूट कटर है मतलब बहुत ही मस्त कटर है, जो मैं घंटों घंटों लगा दिया करती थी ड्राई फ्रूट को कट करने में। और जो मतलब थंब होता है ना हमारा, अंगूठा, वो भी पेन हो जाया करता था ड्राई फ्रूट को कट करते करते, तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब मैंने ये देखा और मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको भी इसका मैं पूरा एक्सपीरियंस क्यों ना करके दिखाऊँ, तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको ओपन करना है और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल लेना है, थोड़े थोड़े करके डालना है ताकि वो एकदम से भर ना जाए। और आप इसमें जो देखिए दोनों पार्ट पर ये कट देख रहे हैं, दोनों जगह पर आपको उससे मैच करना है, मतलब सेटअप करना है। और उसके बाद आप इसको स्लो स्लो स्टार्टिंग में आप इसको घुमाना शुरू कीजिए, उसके बाद आप इसको फास्ट फास्ट भी घुमा सकते हैं, यानी जितना स्पीडली आप घुमाएंगे ड्राई फ्रूट आपका उतना ही जल्दी कटेगा और मतलब कुछ सेकंड में ही कट जाएगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये भी 149 समथिंग कुछ का था मीशो से उस टाइम पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग भी ये मंगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, घंटों का काम कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। और जब भी आप इसको खीर में हलवे में डालेंगे ना, तो ज़रूर इसका अच्छा टेस्ट आने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, लिंक चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल।